इडा फायर फ्लाई। अगर आपने इस वेबसाइट को यूज़ नहीं किया तो आप ज़रूर विज़िट कर लें इस वेबसाइट पे। इस पे आप कोई भी टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हैं, मतलब किसी भी इमेज इसको डिस्क्राइब करके जनरेट करवा सकते हैं, किसी भी इमेज जिसकी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को टेक्सचर में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है। गूगल टाइप करें, यहाँ पर टाइप करेंगे आप एडोबी फायरफ्लाई और सर्च करेंगे, एडोबी फायरफ्लाई के नाम से वेबसाइट आ जाएगी। तो ये एडोबी भी है, बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसमें आप कोई भी इमेजेस वगैरह आपको क्रिएट करवाते हो समझिए तो वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके मेन पेज पर आ जाएंगे। आप साइन अप पर गूगल कर लीजिएगा या फिर अकाउंट बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट टू इमेज, कोई भी जैसे आपको डिस्क्राइब करनी है सिर्फ यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि आपको सर्च इमेजेस चाहिए। उसके बाद यह जनरेटर फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करके न्यू एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट्स, आप टेक्स्ट को टेक्सचर में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जनरेटिव रिकलर, आप किसी भी इमेज का कोई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्रिएट इमेज ऑफ ए फेरी एंड रेन। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाटर मार्क आएगा, लेकिन ये आप ये एडिट करके खत्म कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप में जब यूज़ करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं इसको खत्म, या दूसरे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं ये आप खुद को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमने इमेजेस बनाई कि इमेज ऑफ ये बॉय। तो इसके बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में वॉल कलर लगाना चाहें या फ्लावर्स लगाना चाहें, इस तरह से आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कट करके यहाँ पे आपने ये फ्लावर लगा लेंगे। यहाँ पे आप एड पे क्लिक करेंगे और ये इस पर आप थिकनेस वगैरह या ब्रश की साइज वगैरह कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लावर, इस तरह की इमेजेस आप बना सकते हैं आराम से। बहुत ही ज़बरदस्त एडोब वालों का ये एआई टूल है जिससे आप काफ़ी अच्छी इमेजेस बना सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, या आपकी कोई इमेजेस है तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें एक बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब इसे डाउनलोड कर लें, आपको अच्छी जो भी लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड उसका चेंज, यहाँ पे लोगो लगा लें। क्रिएट ए ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ जाएंगे प्लस के, ये आपको आर्ट में चाहिए फोटो में चाहिए। हम चलते हैं देखते हैं ये लास्ट, यहाँ पे आपको इमेजेस
लगा लें, इसको चेंज कर लें। इसे लोगो लगा लें या कुछ भी, तो यहाँ पे बाल लगा दें, यहाँ पर बाल फिट हो जाएगा बीच में। ये देखिए, टेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे आप सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, टेक्नोलॉजी बना दिया, टेक्नोलॉजी टाइप किया हमने। इस स्पार्कलिंग स्टार, तो इसके टेक्सचर चेंज हो गए स्पार्कलिंग स्टार में। तो यहाँ पे साइड भी ऑप्शन है, अब इसमें चेंज करना चाहिए, कलर चेंज करना चाहिए, कोई फॉन्ट चेंज करना चाहिए, जनरेटर भी कलर है जिसे मैं, जिसका कलर आपको चेंज करना हो तो आप उसका नाम लिखेंगे।